मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की सदस्यता बढ़ाने के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विदेश महामंत्री योगेंद्र सिंह सेंगर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि देश की मोदी सरकार लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। देखा गया है कि लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, मगर हम सबको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। मोदी जी का ये प्रयास है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसको लेकर हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ उसकी सदस्यता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। समाज सेवा करने के साथ साथ अनेक विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सभी देशवासियों को जानकारी देने के लिए काम किया जा रहा है। आज की इस बैठक में सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार करने के साथ साथ किस स्तर पर कार्य किया जाए, इस विषय को लेकर भी सभी से राय ली जा रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए प्रदेश महामंत्री ने बताया, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ की क्षेत्रीय बैठक है बरेली क्षेत्र की। अभी हमारा जो है राष्ट्रीय स्नातक संघ को प्रारंभ हुए 3 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जिन जिन का कार्यकाल पूरा हो गया है ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया है जिससे आगे की रणनीति तैयार करने के लिए, और पूरे देश में सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। रोजगार को लेकर आपको मैसेज दे रहे हैं बच्चों? जी, हम जो अपने स्नातक हैं उनको हम ये संदेश दे रहे हैं कि उनको नौकरी के पीछे नहीं भागना है, उनको नौकरी के लिए लाइन में नहीं लगना है, उनको देने वाला बनाना है, उनको मांगने वाला नहीं बनाना। मोदी जी की जैसी स्कीम है कि हमको दाता बनना है, देने वाला, हमें किसी के सामने लाइन में नहीं लगना है। तो इसलिए हमने अपने स्नातकों को जो अपना काम खड़ा करना चाहते हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आपको नौकरी के लिए नहीं भागना है, पढ़ाई करने के बाद अपना स्वरोजगार शुरू